हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे डिफरेंट टाइप से मटन बनाना बताऊंगी, सबसे आसान तरीके से बकरे का। यहाँ देखिए, अब चलिए मैं आपको बनाना दिखाती हूँ सबसे डिफरेंट टाइप से कम समय में। तो सबसे पहले हमें मटन को, हमने 1 kg मटन लिया है, मटन को हमने अच्छे से धो लिया है। इसको अच्छे से धो लीजिएगा जो कि जितना भी ब्लड व्लड हो निकल जाए साफ से। तो साफ से हमने धो लिया। अब हमें लेना है एक कढ़ाही, तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाही ले लिया। कढ़ाही में हमें 1/2 kg कटा हुआ प्याज रखना है। ये प्याज को हमें नीचे इस तरीके से कटा हुआ, बारीक बारीक कटा हुआ है, इसको हमें इस तरीके से बिछा देना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें डालना है मटन। जितना भी मटन है इसको हमें अच्छे तरीके से बैठा देना है इसके ऊपर। यहाँ पे हमने मटन को बैठा दिए। उसके बाद आपको डालना है मसाला। तो मसाला आपको जो डालना है वो सारा मसाला आप इस पे डालेंगे। तो मुझे डालना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसमें डालना है धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम, धनिया हम ज़्यादा नहीं डालते हैं। उसके बाद डालेंगे काली मिर्च और जीरा का पाउडर। तो इतना हमें काली मिर्च डालना है, ज़्यादा काली मिर्च हम नहीं डालेंगे। उसके बाद डालना है जीरा का पाउडर, इतना हम जीरा का पाउडर ले लिए। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, तो हमें लहसुन का पेस्ट डालना है 2 चम्मच। तो हमने पेस्ट बनाया हुआ है, 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन ज्यादा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 तेज पत्ता। यहाँ हमने 2-3 तेज पत्ता ले लिया है। उसके बाद डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। यहाँ पे हमने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। ये अब डालेंगे इसमें आदी का पेस्ट, इस पेस्ट रहे तो पेस्ट, नहीं तो इस तरीके से हमने स्लाइसेस में कट किया है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से मटन मसाला। मटन मसाला जो आता है वो, तो हम इसमें थोड़ा सा मटन मसाला डाल देते हैं। ये अब इसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक ले लिया है। ये अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम इसमें किनारे किनारे, किनारा किनारा ऐसे डाल दिए। अब इसको चढ़ा देंगे, इसको अब हम ढक देते हैं और चलिए इसको अब चढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने गैस को जला दिया है, अब इसको इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। 3 मिनट तक इसी तरह छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको खोल लेंगे। ये देखिए, अब जितना मसाला है पूरे को मिक्स करेंगे। नीचे के प्याज भी हल्का सा गल चुका है, अब इसको मिक्स करना है। बहुत टेस्टी इस टाइप से बनाइएगा, बनती है। अच्छे से चला लेते हैं, अच्छे से सारे मसाला मिक्स हो गया। अभी इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इसको एक बार खोल के चला देंगे। इसी तरह बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। फिर से इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए।
गलने के लिए लो फ्लेम पे। इसी तरह पहले हमें सूखा फ्राई करना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। अब खुला भूनेंगे इसको, 2-3 मिनट तक इसी तरह खुला भूनेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इसका जो भी कच्चापन है मसाला का वो निकल जाए। उसके बाद ग्रेवी लगाना होगा, तो ग्रेवी जितना पानी डालना है उतना डालेंगे। अच्छे से भून चुका है, अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। जितना ग्रेवी लगाना हो उतना पानी डाल देना है। अब इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए। अब गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से ये गल चुका है मटन। तो फ्रेंड्स आज की मटन की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिए कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।